Hi guys, welcome back to Just Shania, Shania Masoor channel. हैबिट हो गई है मेरे को. तो दूसरा दिन का व्लॉग, मेरा चाय मैंने चढ़ा दिया है और ये महाराज अभी तक बेड से उठे नहीं है. कैसी जिंदगी होती है यार लड़कियों की, सी उठते साथ ही किचन में भागो, चाय दो, नाश्ता दो. आई होप कि लास्ट वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा. और कपड़े भी मेरे ऑलमोस्ट सूख गए थे, वॉशिंग मशीन में से चलाया था. आज कढ़ी चावल खाओगे? कढ़ी चावल तो बेडशीट निकाल दिया था यार, शाजन मूड मूड के खराब कर दिया था. हमारे घर के कपड़े देखो ऐसे सूखते हैं यहाँ पर हवा से. गाइस आप लोगों को फैन फैन एकदम वाइट वाइट नहीं दिख रहा है? आ देखो कितना अच्छा लग रहा है ना. ऑल थैंक्स टू यू. हम चाय नाश्ता कर लेते हैं, देख लो चाय नाश्ता कर लेते हैं. हाँ भाई पिला रही हूँ, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे. और देखते हैं आज क्या क्या होने वाला है. आज तो मेरी वाली आंखें फड़क रही है, जब जब फड़कती है तो कुछ अच्छा होता है मेरे साथ, तो मुझे नहीं मालूम क्या अच्छा होगा. लेट्स सी, पहले चाय नाश्ता कर लेते हैं. ये मेरा नाश्ता है, माय फेवरेट बिस्किट, आई लव इट. मेरे घर वाले तो फोन ही नहीं करते. नाश्ता कर लेते, चाय ठंडी हो जाएगी. चाय नाश्ता मेरा तो हो गया, मैं जा रही थोड़ा फ्रेश होने. फोन को ही बता देते हैं. अब मैं थोड़ा एडिट करने बैठूंगी, एडिट के बाद डायरेक्टली मिलते हैं. मेरा सनस्क्रीन दे देना मसरूर. गुड मॉर्निंग शिफा, डोंट टेक मी प्लीज. ये हमेशा अपना डोंट टेक मी प्लीज. हेलो अमेजॉन कोरियर भेज दो. अमेजॉन कोरियर? मैंने क्या मंगाया था? दोनों बाप बेटे सो रहे हैं. तो मत लेना, मैं तेरे को पहले बोल दूँ. क्यों? चल चंदी तो निकाल, अरे वो गर्म हो जाएगा. हाँ 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 सही बात है, जितने भी अच्छे काम है, नेक काम है तुमने किए हैं, जितने भी बुरे काम ने मैंने किए हैं. खुश क्या मिलके किए? पागल लोगों को बता मत, ये तो पता चल जाएगा स्कीम. क्यों डोंट अंडरएस्टिमेट मी. अरे बटलो गाइस, कोई कमेंट करके बताएगा शिवा की हाइट कितनी है. पार्सल है, पार्सल है. क्या है भैया? ये पार्सल है, ये फास्ट है क्या? पार्सल है, पार्सल, पार्सल पता नहीं क्या है. जो भी आएगा तेरे पे ट्राई करूंगी.
ड्यूरालाइन आया है, ये जरूर ग्लैमिटअप से आया होगा फॉर श्योर। बाय बाय, रिवील होगा सिर्फ जशन आया पे, यहाँ पर नहीं रिवील होगा। वेट एंड वॉच की हालत देख सकते हो, अभी तक कपड़ा सूखा वाला उठाया नहीं गया। और यहाँ पर शाहजिन को हनी चटा, क्यों चटा रही है भाई? इतकी आ रही है क्या? और मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि मुझे बनाना है जशन आया के लिए वीडियो अलग से। तो चलते हैं नहाने। तुम चले क्यों नहीं जाते? फ्रेश होके हो गई, मेरा बिफोर शूट हो गया, शिफा का भी बिफोर शूट हो गया, पूरा सामान फैला हुआ है अभी भी। और मैं बताती हूँ कि मसरूर चोगली क्या कर रहे हैं अभी तक। चावल रखा है, क्या हुआ? ये बंदा सिर्फ नहीं, कुछ बहाना नहीं, शाम को उठने का रहता है, नींद पूरा करना है 12-12 घंटा। हाँ, और ये देखो अभी तक व्लॉगिंग चालू है। जाना पूल में नहा ले, पूल में नहा ले, ऐसी हालत में पूल में जाओ, चला जाएगा, उसमें क्या है। मेरा चावल एक बार जल गया था, मैं वापस पतीले में रखी हूँ चावल, चावल आधे कच्चे। यार काम पे ध्यान दो, खाना पकाओ, क्या क्या देख रहे हो? और जिन्होंने भी जस्ट नया को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जाके सब्सक्राइब कर दो। नया प्रोडक्ट मैं रिवील करने वाली हूँ वहाँ पर, जो मुझे रिसीव हुआ था विंसन की तरफ से। तो आप भी जाइए और ज़रूर देखिएगा। मैं जल्दी जल्दी ना आफ्टर भी कर लेती हूँ, मेकअप कर लेती हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है घर में। पापा मम्मी आए हैं, अदनान लास्ट व्लॉग का रिएक्शन दे, व्लॉग देखा जा रहा है यहाँ पर बैठे बैठे। ये बहुत अच्छी ब्लॉगिंग करते हैं, एक क्लिप में डालूंगी मेरे इंस्टाग्राम पे, जरूर देखना आप। चाचू उसको चाचू दिन जाते तो हो सकता है। गाइस वी आर वॉचिंग ASMR, वॉच दिस। अबे यार साले लोग पूरा फेंक दो, नहीं दे दे ये चम्मच, तू पी ले, अबे मार खाई दूं, दूसरा बनाओ यार, जल्दी बनाओ। खाना क्या बनेगा मम्मी? नॉन वेज, वेज, फ्राइड राइस, आओ इसी में रेडी टू कुक, रेडी टू मम्मी। हां फ्राइड राइस के मंचूरियन की बहुत तारीफ दो ना, रेडी टू कुक जाओ लेकर आओ, कैलाश मार्ट से लेकर आओ, और नीचे से चिकन मोमोज का वो पैकेट लेकर आओ, उसको फ्राई करके रखना। जाओ जाओ सही से जाओ, शिफा ने बता दिया, जाओ कैलाश मार्ट से लेकर आओ, शिफा ने पहले बता दी थी। शिफा ने मेरे को साफ साफ बोली कि भाई ये लोग, हम लोगों ने नीचे से राइस लेके आए, उसको थाली में गरम किया, हमने गरम किए, पलट रही है, पलट रही है अभी, मेरे को पहले शिफा ने बोल के रखी थी, एकदम सच बोलने को नहीं होता है, नहीं होता है लेकिन मस्त है। अपने पास खाली काटना नहीं है ना, मैं नीचे जा रही हूँ चिकन लाने के लिए, बाकी सब खाना, चिकन चिकन पुलाव, पुलाव पुलाव, ये तपीले को खाली कर दो, ऐसे थोड़ा सा चावल खा ले, मैं आती हूँ, उसको मिक्स कर देना उसी में, शर्मा खाइए, लालच लेकर आती हूँ, सोड़ी में लाऊंगी, सोड़ी में चलो चलो चिकन लाने। ओपनिंग 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 गाइस, ओपनिंग, मैं ओपनिंग में हूँ नहीं भाई, That's not my channel. I am out. मैं बना ही नहीं रहा हूँ रे। अबे सामान लेके आ जा रखी सूट कर। हाँ गाड़ी की चाबी तो है। मेरी गाड़ी की चाबी ले ले। खाना बनेगा चिकन पुलाव और मुझे बहुत काम भी है। फटफट काम करके निपटा के मैं सोच रही हूँ पुलाव वाला बना के, क्योंकि मम्मी पापा को दवाई टाइम पे चाहिए। तो मैं खाना बनाने के बाद ही मेरा शूट करने बैठूंगी,
भले कितनी भी रात हो जाए पर मैं शूट करूंगी। एंड आई विल ड्रॉप रात हो जाए 3 क्यों ना बज जाए 4 क्यों ना बज जाए आज हम मेकअप नहीं करेंगे। आज हम मेकअप करेंगे क्योंकि मैं अपने काम से अपनी जिम्मेदारी से नहीं हटती। एवरीबॉडी नोस दैट। और कल वीडियो ड्रॉप होने वाला है जस्ट शनाया के लिए, तो जरूर देखना, स्पेशली ड्राई स्किन के लिए और जिनकी स्किन बहुत टैन है, अंडर आई बहुत रिंकल्स भी बहुत है, स्कार्स है, उनके लिए स्पेशल वीडियो है, तो जरूर देखना आप लोग। हम चलते हैं अपने चिकन लेने के लिए। देखो प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत है अदनान, यू डोंट नीड मेकअप। हाँ क्या अदनान? उसके लिए पूनम जन्म लेना। पूनम जन्म। एक्चुअली अदनान बेचारा का कोई नहीं, बिचारे का एक्चुअली क्या हो गया ना दो तीन दिन से, एक्चुअली क्या हो गया ना दो तीन दिन से बिचारे टंग ट्विस्ट हो गया है बहुत ज़्यादा ही। व्लॉगिंग भी बेचारा चालू कर रहा है तो फ्रंट कैमरा चालू कर रहा है और बैक कैमरा से व्लॉग कर रहा है, तो कुछ नहीं हो सकता इसका। फटाफट धन्नो निकालते अपनी और चलते हैं चिकन लेने के लिए। मौसम बहुत ही प्यारा प्यारा सा हो गया है। शोरमा मिलता है मेरे एक्चुअली शिफा को बोली हूँ, शिफा मैं तेरे लिए शोरमा लेकर आई हूँ, बोलती लालच मत दे, सीधा लालच मत दे, मैंने बोला कि मैं तेरे लिए लेकर आऊँगी चुमड़ी में, तो सबसे छुप छुपा के मैं उसके लिए शोरमा लेने जा रही हूँ। एक्चुअली शोरमा कोई खाता नहीं है मसरूर के अलावा और अदनान के अलावा, बट मैं आज इन लोगों को ट्रीट नहीं दूंगी, मैं सिर्फ शिफा को दूंगी क्योंकि उसके खाने का टाइम हो गया नाश्ते का और उसको शाम को और सुबह चाय चाहिए चाहिए, नाश्ता चाहिए चाहिए, वरना भाई मैंने उसकी तबीयत खराब होती हुई देखी है गाइस, मतलब नेक्स्ट लेवल तबीयत खराब होती है। मेरे बाद मैंने अगर देखा है सबसे घटिया तबीयत खराब होती है। नशेड़ी को नशा नहीं मिलेगा, वैसे शिफा को चाय नहीं मिलेगी ना तो उसका पागल हो जाएगी, वो नेक्स्ट जोन में चली जाएगी। फटाफट हम चलते हैं चिकन ले लेते हैं और शोरमा ले लेते हैं। तो हम पहुँच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे चिकन लेने के लिए। सामने दुकान है भाई इधर। हाँ आ जा भैया चिकन। चलो डेस्टिनेशन दूसरा आ गए चिकन लेने के बहाने से। मैंने सोचा घर का और सब्जी दिया जाए और सब्जी दिया जाए। मैडम आलू कैसे दिए? 30 रुपए किलो है सर। और टमाटर? भैया टमाटर कैसे? 40 का पाव है। 40 का पाव आधा किलो 70 का। भाई अगर लोगों को लग रहा होगा ना कि मैं ब्रांडेड कपड़े खरीदती हूँ, मैं एकदम नहीं खरीदती, मुझे सस्ते कपड़े अच्छे लगते हैं। आवाज लगा ना फ्री सब्जी। हाँ भैया पकड़ के मेरे को पहले ही मारेंगे। मुझे ब्रांडेड कपड़े एकदम नहीं पसंद है। ये सिनेमैटिक शॉट लो क्या? ऐसा आलू लेके जा रहे इसके अंदर। और क्या आप क्या पूरी दुकान खरीद लेगी? भैया हमारा यूट्यूब चैनल है गाइस, फ्लावर वैली के जस्ट स्काई वॉक के जस्ट नीचे। Get one free, हाँ तू बोल रहा शिफा स्पाइसी नहीं खाएगी। शिफा के घर के नीचे खुल गया है ना अभी, उसको मजे हो गए, इधर आते ही नहीं है अभी। तो तू बोल रहा है बुमराह में स्पाइसी नहीं खाएगी? नहीं भैया तुम मनाओ। हाँ अब अभी आंसू निकलने लगे और अगर खाई तो मैं खा लूंगा। चल बैठ 50-50 रुपए का, उससे ज्यादा मैं दूंगी नहीं। खा लेगी वो, ये शोरमा है खा लेगी। 4 रुपीज चिकन में हुआ और बाकी सब सब्जी में 60 रुपये गया, मतलब अगर मैं दूर दूर पकड़ के बोलूँ तो पूरे दिन की बत्ती बनेगी मेरे 1000 रुपये की। यार सब्जी वब्जी लेना इतना मुश्किल क्यों है? आगे रख इसको। जब मैं घर पे थी मेरे घर पे मम्मी के साथ, तब ना इधर सीधा जब मैं अपने घर पे थी पप्पी के साथ, मैं 500 रुपए का सिर्फ आलू और प्याज लेकर आई थी। तब मेरे घर वालों ने डिसाइड कर लिया था कि इसको आज के बाद सब्जी लेने नहीं भेजेंगे। आज मैं प्राउडली बोल सकती हूँ कि मैं सब्जी खरीदती हूँ पर 500 रुपए की। बार्गेनिंग करती हूँ
करती हूँ, थोड़ा बहुत करना पड़ता है यार। 30 रुपया भैया ने कैप्सिकम का पैसा नहीं लिया है। चलते फटाफट घर पे और तैयारी करते पहले खाने की, फिर मैं और शिखा आराम से मेकअप करेंगे। कोई घाई नहीं है बेचारी का, मैंने खाली फेस लगा के छोड़ दी, गाली सुनूंगी मैं अलग से। फटाफट चलते घर पे गाइस, कंटिन्यू करते घर पे चल के। क्या हो रही है? हाँ क्या हो रही है? शर्मा खा लो। थैंक यू। बेचारी का मुंह कितना वाइट लग रहा है क्योंकि मैंने खाली बेस लगा के छोड़ दी। अभी से तक शूट नहीं हुआ हमारा। मेरी जेठानी इतनी कमीनी है कि मेरे को भी एक बार भी नहीं पूछती। भाई फटाफट चिकन धो लेते हैं। मेरा चिकन कहाँ है? और मैं थोड़ा थोड़ा प्रोसीजर बताऊंगी मैंने कैसे क्या क्या डाला है मेरे पुलाव में, तो आप लोग भी बना सकते हो इस तरीके का पुलाव। एंड आई होप कि ये फूड ब्लॉगिंग नहीं है, ये फूड चैनल नहीं है कि आप लोगों को एकदम डिटो हर डिटेल में बताओ कितना 100 ग्राम आधा ग्राम, तो प्लीज़ मत करना, ठीक है? जस्ट मैं फटाफट काम कर लेती हूँ और फिर मैं बीच बीच में ब्लॉगिंग भी करूँगी। वेट, खाना ऑलमोस्ट बनने को तैयार है, दम पे बन गया यार। दम पे है चावल, लो फ्लेम पे है। मैं रेसिपी नहीं बताने वाली कि मैंने क्या क्या डाला है। प्लीज़ गाइस, प्लीज़ डू नॉट आस्क मी। कमेंट करना अगर आपको चाहिए इसकी रेसिपी, नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। फुर्सत में बैठ के मैं ही बकबक करूंगी। कमेंट करना जिस जिसको रेसिपी चाहिए। पानी पी लेते यार, थोड़ा रेस्ट कर लेते। पैर में दर्द हो गया, उसके बाद मुझे शिफा का आज मेकअप अगर मैंने नहीं किया, फाउंडेशन नहीं लगाया, तो मैं बचा कुछ भी निकाल दूंगी। नहीं, हमें शूट करना है आज। एनी हाउ शूट करना है। हो गया, आफ्टर हो ही नहीं रहा। आफ्टर हो ही नहीं रहा। आफ्टर के लिए बहुत ब्रेक ले रहे हैं हम। लंबा ब्रेक ऐसा होता है सोचो, और लोगों को लगता है कि हम अपनी सासों को सता रहे हैं। हम बहुत सताते हैं अपनी सासों को। कोई हमसे पूछे। खाना तो ऑलमोस्ट डन हो गया। शिफा कितना खाएगी यार? थोड़ा और। खाना मजा आया? बहुत अच्छा। शायद मजा आया। बोले हाँ। बात कर शिफा। पूरे ब्लॉग में पीछे रो रहा है। हाँ, पीछे पूरे ब्लॉग में रो रहा है तू। इतना रो रहा है तू। इतना कूल हो रहा है तू। पूरे ब्लॉग में लड़का रो रहा है पीछे। फाइनली हमारा आफ्टर शूट हो गया है। कपड़े यार सूख गए। कपड़े अभी डालने पड़ेंगे कबर्ड में और बेडशीट बिछाना पड़ेगा। और इस व्लॉग को हम दोनों एंड कर रहे हैं। बाय बाय। यही वो लाइक शेयर सब्सक्राइब याद है मुझे। कर देना गाइस। शिफा की बात मान लो, बोल रही हूँ। शिफा की बात मान लो, कर दो। और मिलते हैं दूसरे दिन क्या होगा, कब इन लोग उठते हैं, ब्लॉग बनेगा कि नहीं बनेगा। ब्लॉग तो बनेगा क्योंकि मैं जिम्मेदारी ले रही हूँ इस चीज़ की। अब ब्लॉग बनेगा, अनसब्सक्राइब कर दो, ब्लॉग कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस और अल्लाह हाफिज़।